हल्का सड़ोरा से कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला के समर्थन में आज गांव तलाकोर में चौधरी ऋषिपाल ने लोगों से जनसंपर्क कर वोट की अपील की। उसके बाद गांव तलाकोर में वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना कर झंडा पूजन किया। इस अवसर पर भरी संख्या में लोग उपस्थित थे। आप यहाँ पे जो दौरा कर रहे हैं, जो गाँव में आए हैं, आपका क्या मेन उद्देश्य क्या है आज का? सबसे पहले तो मैं सभी जो गाँववासी हैं उनको मैं ऋषि वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाई देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि हम सभी के घरों में ऐसे ही भगवान वाल्मीकि जी प्रकाश विराजमान रखें और सब खुशहाल हों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और जो हमारी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने मेरी पत्नी श्रीमती रेणु बाला जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 21 तारीख को उनको भारी मतों से विजयी बनाकर हरियाणा विधानसभा में भेजेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवादी हूं और बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन सड़ोरा हल्के के लगभग सभी गांव में हमें मिल रहा है। इस बार हमारी जीत निश्चित है और हम ऐसे ही जो जनता है हमारी, जो हल्का सड़ोरा की जनता है, उसका ऐसे ही पूरा सहयोग जो उन्होंने दिया है उसके लिए सदा उनके आभारी रहेंगे। पहला कार्य क्या होगा हल्का सडौरा के लिए? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, आप लोगों ने इधर जो प्लेन एरिया उसको तो देखा है, आपने घाट क्षेत्र में जाकर शायद अभी नहीं देखा, वहाँ पे हर चीज़ की समस्या है। वहाँ बिजली, पानी, सीवरेज, सड़क, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है वहाँ, और सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप खानू वाला गाँव है, वहाँ से जाकर ऊपर नगली स्लैम पर को ही देखोगे तो कहीं भी कोई नाली, कोई गली, कोई भी चीज़ प्रॉपर रूप से नहीं है वहाँ पे। और स्वास्थ्य सुविधाओं का तो इतना बुरा हाल है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है, कहीं कहीं नजर आता भी है सड़क भी थी कभी, तो इतना बुरा हाल है। और ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं विकास का, हमने तो कभी विकास यहाँ देखा नहीं, पूरे हल्के के एक एक गाँव में जा चुके हैं हम। ठीक है।